इन दिनों हिमाचल से लेकर उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर तक बर्फबारी खूब हो रही है। पहाड़ों में कई जगह तापमान -10 डिग्री से नीचे चला गया है। श्रीनगर में भारी बर्फबारी हो रही है। दूर दूर तक जहां भी आपकी नजर जा रही है, नजारा सिर्फ एक है, रंग सिर्फ एक है। ठंड पारे को जीरो से लगातार लुढ़का रही है। पुंछ जिले में पिछले दो दिनों से तहसील मंडी के इलाकों में भारी बर्फबारी हुई है, जिसके चलते कई सड़कें बंद हो गई थी। सड़कें तो बंद, लेकिन जरा इस नजारे को देखिए। मानो घाटी का रंग सफेद हो चुका है और पहाड़ों की चोटियों से लेकर मैदानों तक हर तरफ सिर्फ बर्फ है। घाटी में श्रीनगर समेत कई इलाकों में आज सुबह से बर्फ की बरसात हो रही है, जिसके बाद श्रीनगर में कड़ाके की ठंड है। मौसम की इस बर्फबारी ने श्रीनगर की काया पलट दी है। हर जगह सिर्फ एक ही रंग दिखाई दे रहा है। पूरी कश्मीर घाटी में पहाड़ी इलाकों सहित मैदानी इलाकों में एक बार फिर से बर्फबारी देखने को मिल रही है और श्रीनगर में ये पहली बर्फबारी है सीजन की। आज मध्य रात्रि से ही यहाँ, मैं आपको बता दूँ, बर्फबारी का सिलसिला शुरू है। आप देख सकते हैं इस वक्त यहाँ पर जो है श्रीनगर में बर्फबारी हो रही है और आज सुबह इस बर्फबारी में जो है तेजी देखने को मिली है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों तक बर्फबारी का ये सिलसिला जो है इसी तरह से जारी रहेगा और पहाड़ी इलाकों में मॉडरेट स्नोफॉल होगी, वहीं मैदानी इलाकों में जो है स्नोफॉल हल्की रहेगी। लेकिन कड़ाके की ठंड लगातार जारी है, तापमान 0 से नीचे है। सड़कें हो या घरों की छत, हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। हालात ये हैं कि लोगों ने घरों से निकलना कम कर दिया है। गुलमर्ग में भारी बर्फबारी की वजह से सड़कों पर 6 इंच तक बर्फ की मोटी परत जम गई है, जिसके बाद प्रशासन ने लोगों की सुविधा के लिए बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया। अनंतनाग पर बर्फ का कब्जा है। दूर तक देखें तो गाड़ियां भी बर्फ की चादर ओढ़े ठहरी हुई हैं। रास्ते बंद है, बर्फ गिर गिर कर मोटी परत बनाती जा रही है। इन सड़कों को देखें, घुटने भर से ज्यादा बर्फ है यहाँ। अब इन पर कोई चले तो कैसे चले, इसलिए दूर दराज के गांवों तक संपर्क टूट गया है। बांदीपुरा और गुरेज में भी बर्फबारी हो रही है। शोपिया में बर्फ हटाने का काम जारी है, लेकिन मुश्किल ये है कि जिस तेजी से बर्फ हटाई जाती है उसी तेजी से सड़क फिर बर्फ से ढक जाती है। भला आसमान पर कोई कैसे कंट्रोल कर सकता है, कुदरत पर भला किसी का जोर कैसे चल सकता है। कुल जमा हाल ये है कि जब तक मौसम अपना मूड नहीं बदलता, इसी तरह से रहना है, ठंड से ठिठुरना है। 2022 की शुरुआत के साथ ही लगातार कश्मीर और लद्दाख के अलग अलग हिस्सों में ऐसी ही बर्फबारी की तस्वीरें आ रही हैं। हर रात कड़ाके की ठंड और हर सुबह सर्दी पुराना रिकॉर्ड तोड़ रही है। ये कहना गलत नहीं होगा कि लगातार पड़ती बर्फ के बीच इन इलाकों में तो जनवरी सचमुच जम गई है। खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कश्मीर में कई दिनों से लगातार बर्फबारी हो रही है। तस्वीरें ऐसी हैं जैसे यहां बर्फ का रेगिस्तान बन गया हो। घरों की छतों पर बर्फ की मोटी परत है। श्रीनगर से लेह का रास्ता बंद हो चुका है। शोपियन में भी रास्ते से बर्फ हटाई जा रही है। पुंछ में हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। गुरेज, कुलगाम, अनंतनाग, इन सभी जगहों पर भारी बर्फबारी हो रही है। हड्डी कपा देने वाली ठंड भारत के साथ ही अमेरिकियों को भी कपकपा रही है। अमेरिका में इन दिनों ठिठुरा देने वाली भीषण ठंड पड़ रही है। लगातार हो रही बर्फबारी और ठंडी हवाओं की वजह से अमेरिका में भी लोग काफी परेशान हैं। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, लेकिन इस कड़कड़ाती ठंड के बीच जारी है मौज मस्ती। तस्वीरें वॉशिंगटन की हैं, जहां सब कुछ बर्फ से सुपुर्द हो गया है। रास्ते इतने खूबसूरत हो चुके हैं कि इन्हें देखकर इन पर चलते रहने का मन करेगा। पेड़ों की पत्तियां बर्फ का बोझ उठाए हुए हैं। सड़कों के किनारे बर्फ ही बर्फ जमी है और गाड़ियों की रफ्तार भी धीमी पड़ गई है।
अमेरिका के कई शहरों में इस वक्त मौसम खराब है। कहीं तूफान से तबाही है तो कहीं बर्फीली हवाओं ने सब कुछ जमा दिया है। लोग वॉशिंगटन समेत अमेरिका के कई हिस्सों में बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए बाहर निकल आए, एक दूसरे पर बर्फ के गोले फेंक कर इस बर्फबारी का लुत्फ भी उठाया। बताया जा रहा है कि कई इलाकों में एक फुट से ज्यादा तक बर्फबारी हो सकती है। बर्फीले तूफान की वजह से अगले कुछ दिनों तक लोगों को यातायात संबंधी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ सकता है, लेकिन फिलहाल तो मौज मस्ती जारी है और इसमें इंसान क्या, जानवर भी पीछे नहीं है। वहीं बर्फबारी हुई तो वॉशिंगटन के स्मिथसोनियन नेशनल जू पार्क में लोगों की भीड़ जमा हो गई और लोग खुद को रोक नहीं सके और कुछ इस तरह से मौसम का लुत्फ उठाते हुए नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेंगे, जल्द लौट। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।